में फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक पावर। मतलब क्या है इलेक्ट्रिक पावर? ये जो है इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन सेकेंड पर यूनिट सेकेंड यूनिट टाइम टाइम से मान लो। ठीक है, यूनिट क्या होगा? वर्क की जूल होती है पर सेकंड, लेकिन इसको डब्ल्यू से करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू डिनोटेड, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, डब्ल्यू ठीक है, एक किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ये ध्यान रखना है। और वन इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी कंज्यूम। अगर किसी बल्ब पे है ना, व्हेन द अबे देखिए पावर वर्क डन पर सेकंड, किसी बल्ब पे मैंने बताया कि अगर 60 लिखा है वाट, तो वो 60 जूल पर सेकंड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उतना वर्क डन करेगा। और अब हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में देखना है, तो W इक्वल टू VIT, P इक्वल टू W अपॉन T। तो W की जगह VIT रख दिया, VIT रखने पे VI आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और पावर के बीच में संबंध आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू अगर 1 वाट 1 एम्पियर, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 एम्पियर की हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो वो 1 वाट होगा। क्या क्या खा रही है, अब हम इससे आगे भी निकाल सकते हैं पी आई आर, इनमें क्या रिलेशन है। पीजिकल टू ये हमने निकाला था, पीजिकल टू वी आई, ओम का रूल क्या है, वी अपॉन आई इजिकल टू आर, और वी इजिकल टू हो गया आई आर।
यहाँ लगा दिया, बी की वैल्यू लगा दिया, ये वैल्यू यहाँ लगा दी, आई स्क्वायर आर आ गया, ठीक है। करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और पावर में संबंध आ गया। और रिलेशन बिटवीन पी एंड वी एंड आर है ना, पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर और आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अगर वोल्टेज दे रखी हो, पावर निकालनी हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो हम ऐसे निकाल देंगे, परसेंट डिफरेंस दे रखा हो तो आ गया। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर उतनी ज़्यादा होगी जितना कि रेजिस्टेंस कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो पावर भी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा पावर भी ज़्यादा होगी, तो करंट के साथ साथ ही रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब हमारे पे पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये चार फार्मूले आ गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ना मेन ये यूज होंगे। अगर किसी पे लिख रखा है एप्लीकेंस पे 100 वाट 220 वाट, परसेंट डिफरेंस पावर ऑपरेटिंग 100 वाट, अगर 100 वाट लिख रखा है बल्ब पे तो 100 वाट ऑन द बल्ब इज कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। अगर किसी बल्ब पे लिख रखा है 100 वाट तो 100 जूल पर सेकेंड यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूले आ गए। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिंपल एक मैं प्रॉब्लम करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, आई इक्वल टू क्या, आई पूछ रहा है करंट 40 वाट ये पावर दे रखी है, मैन इज कंज्यूम इस सोर्स ऑफ वोल्टेज वी देखे 220 वोल्ट, तो पी इक्वल टू वी आई, आई इक्वल टू 40 अपॉन 220, ये कट गया 0.18 एम्पियर आ गया, करंट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब रेट वोल्टेज दे रखी है 220 इस पे है ना, वोल्टेज है एंड 100 वाट का है। When it operate, वन हंड्रेड टेन वाट द पावर ऑफ कंज्यूमिंग रेजिस्टेंस, तो उसका वही रहेगा। अब इसने दे रखा है 100 वाट बल्ब, 110 वाट और यहाँ है 220 वाट का बल्ब, ठीक है, रेट 220 वाट का है। पावर इक्वल टू क्या, वोल्टेज है 110 और आर है 484 ओम, तो पी इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर है ना, वोल्टेज के हमने कम दी बल्ब है ना, 220 वोल्ट का था 110 का रहा हूँ, 110 अपॉन आर ठीक है। इस तरह से ये सारे ये चीजें निकल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ना? स्विच ऑफ दी फार्मूले मैंने आपको सारे बता दिए। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन पावर इक्वल टू क्या हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी हो तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, PT = PT। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रेटिंग विद टाइम। पावर को उसकी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पता चल जाएगा कितनी फूकी है, ठीक है। 1 वाट पर आवर, 1 इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन और जो है अप्लायंसेस 1 वाट पावर यूज इन द 1 आवर, 1 वाट पावर यूज इन द 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में। और घर की बिजली किस में हम देखते हैं, किलोवाट। 1 जूलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एप्लीकेशन ऑफ 1 वाट पावर इन द 1 सेकेंड, पावर 1 वाट, 1 वाट। तो 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन द पर सेकेंड, ठीक है। वाट आवर होती है इसकी, इसकी वाट आवर। अगर हम बदलेंगे फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की निकालनी हो, ठीक है। घर की निकालनी हो तो मैंने आपको बता दिया, 1000 वाट यूज इन 1 आवर, 1000 वाट 1 घंटे में यूज होगी तो 1 वाट किलोवाट होगा ना, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट पर सेकंड में, क्योंकि सॉरी 1 आवर में 1 घंटे में, 1 आवर में अगर यूज होगी तो 1 हो जाएगा,
अबे रेडियो 60 वाट रन्स 50 आवर्स पावर दे रखी 60 वाट रेडियो 60 वाट का है और रन्स इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी पावर दे रखी और ये भी दे रखा हुआ नंबर्स। पहले वाट का किलो वाट बनाओ 0.06 किलो वाट ठीक है पावर आ गई और टाइम 50 आवर्स तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 0.06 इंटू 50 है ना जूल 3 किलो वाट पर आवर ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा सारा सिंपल है। करंट 4 एम्पियर ही फ्लो थ्रू 4 एम्पियर करंट दे रखा है करंट कितना है 4 एम्पियर फ्लो थ्रू वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट है ना 4 टाइम दे रखा है 10 मिनट्स एनर्जी ट्रांसफर अपन ड्यूरिंग दिस टाइम इजिकल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी और पी इजिकल टू वी आई इजिकल टू 12 इंटू 4 इजिकल टू 48 वाट 48 वाट आ गई किलो वाट में आ जाएगी 0.048 किलो वाट पावर आ गई और टी इक्वल टू 10 मिनट्स तो इक्वल टू पावर कितनी आई थी 0.048 मल्टीप्लाई बाय 1/6 0.008 किलोवाट ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।